ಹಾಯ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಆಂಜಲಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं होम फर्निशिंग डीआईवाई या मेकओवर टॉपिक से दूर मेरे जीवन का एक अंशवा पहलू आपके साथ प्रस्तुत कर रही हूँ, वो है खेल प्रेम। तो आज मैं पहुँची हूँ पादुकोण द्रविड़ सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस, जो कि है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास। केवल एक शब्द में समराइज करूंगी, अद्भुत। यह भारत के ओलंपिक के सपनों को सार्थक कर सकेगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसा कि मैं यहां देख पा रही हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए मेरे साथ और जानिए इस सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस के बारे में। खेलों के एक अद्वितीय संसार जहां सिर्फ दो शब्द सुने जाते हैं, एक है प्रतिभा और दूसरा है प्रदर्शन। इस सेंटर फॉर स्पोर्ट्स के जो संस्थापक हैं वो हैं विवेक कुमार, जो नेशनल और स्टेट लेवल के बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं, जो कर्नाटका से ही हैं। इसके अलावा भारत के जाने माने खेल रत्न प्रकाश पादुकोणे और राहुल द्रविड़ इसके सह संस्थापक हैं। इसके अतिरिक्त भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले अभिनव बिंद्रा भी इससे जुड़े हुए हैं। यहाँ मैं बताना चाहूंगी, यह संस्था राहुल द्रविड़ एथलीट मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत दिव्यांग और प्रतिभाशील खिलाड़ी का मार्गदर्शन भी कर रही है। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही भव्य है, जो कि 15 एकड़ में फैला हुआ है और देश विदेश से आए प्रशिक्षक यहाँ प्रशिक्षण देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ का जो प्रशिक्षण स्तर होगा वो कितना उत्तम होगा। अगर आपको किसी ऐसे स्पोर्ट्स सेंटर की तलाश है तो इससे अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तीन दिग्गज महारथी, जो अपने क्षेत्र में द्रोणाचार्य माने जाते हैं और जिनकी देखरेख में ये स्पोर्ट्स सेंटर एक्सीलेंस बना है। यहाँ मैं मिली दो बच्चों से जो यही प्रशिक्षण ले रहे हैं, और चलिए जानते हैं उनसे इस सेंटर के बारे में वो क्या सोचते हैं। इट हैज रियली गुड फैसिलिटीज, रियली गुड कोचेस, एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग सेंटर्स इन बैंगलोर। ओके, वेरी एंटरटेनमेंट कोचेस एंड देन वेरी काइंड ऑफ गुड ड्रिल्स और फ्रेश गुड फैसिलिटीज। इतने विशाल व सुंदर परिसर में एंट्री पाने के लिए कोई फीस भी नहीं देनी पड़ती। यहाँ पे छात्रावास की भी सुविधा उपलब्ध है। परिसर से जुड़ा है स्टोन हिल इंटरनेशनल स्कूल, जिसके कई बच्चे यहाँ प्रशिक्षण पाते हैं। करते हैं फुटबॉल की बात। सेंटर में आते ही पहली सुविधा फुटबॉल की है। एक ओर मुख्य सड़क है व दूसरी ओर स्टैंड है। वैसे तो मुझे बैडमिंटन अधिक प्रिय है, परंतु यहाँ का भव्य फुटबॉल ग्राउंड देख फुटबॉल के प्रति आकर्षण हो जाना सामान्य है, क्योंकि हमारे 4 घंटे कैसे बीत गए हमें पता भी नहीं चला। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार बाल प्रतिभाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। Yeah.
स्टैंड में एक दर्शनी भी है जहां जलपान की अच्छी सुविधा है। मैच रात में ही हो सके इसके लिए आधुनिक सुविधाएं हैं। आनंद लीजिए इस मनोरम दृश्य का। यहाँ विशाल टेनिस प्रशिक्षण केंद्र है। यहाँ कई कोर्ट हैं जहाँ भिन्न भिन्न स्तर के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। इसके ठीक सामने एक इटालियन रेस्टोरेंट है जिसके साथ एक आधुनिक सैलून की सुविधा भी है। कुल मिलाकर एक बढ़िया पैकेज है एक खेल प्रेमी परिवार के लिए। टेनिस की तरह बैडमिंटन की भी सुविधा शानदार है। यहाँ 12 कोर्ट हैं। इसके अलावा खेल से जुड़ी बहुत सारी सहायक सेवाएं भी हैं। सेंटर का रखरखाव बेहद उत्तम है और हर चीज से प्रोफेशनलिज्म झलकता है। सेंटर का प्रमुख आकर्षण है इसका स्विमिंग पूल। विशाल पूल के साथ स्टैंड इसे पूर्णता प्रदान करता है। भारत के भावी खेल योद्धा निश्चित ही सेंटर को गौरवान्वित करेंगे। छोटे बच्चों के लिए एक अलग व्यवस्था है। नाम जुड़ा हो राहुल द्रविड़ और संस्था में क्रिकेट ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। सेंटर के अंत में विशाल क्रिकेट प्रशिक्षण केंद्र है। यहाँ आपको छोटे बड़े हर उम्र के बच्चे प्रशिक्षण पाते दिखेंगे और दिखेंगे उनके प्रतीक्षा करते हुए अभिभावक, और जिनमें से कई अभिभावक उसी स्थान से अपने अपने कार्यालयों के लिए काम भी करते रहते हैं। जीवन चाहे जितने कांटे बोदे आपकी राह में, यदि आप में जिजीविषा है तो आप उन कांटों को उपवन बना सकते हैं, जिस तरह अपने पर फेंके पत्थरों से कुछ अपने लिए इमारत बना लेते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास क्रिकेट से रिलेटेड ज्यादा वीडियोस नहीं हैं क्योंकि जब तक मैं पहुंची तब तक प्रैक्टिस खत्म हो चुका था, लेकिन मैं दोबारा आऊंगी लेके अपने चैनल पे जिसका मुख्य टॉपिक होगा क्रिकेट। इस वीडियो को शेयर करके आप उन प्रतिभाशील खिलाड़ी तक पहुंचा सकते हैं, शायद उनको खोज हो ऐसे ही स्पोर्ट्स सेंटर की। तो आइए हम उनकी मदद करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब एंड लाइक। तो आज के लिए इतना ही।